और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे यानी कि 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे। आज उनके ध्यान का दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की कई तस्वीरें जो सामने आ रखे हैं हम आपको दिखा रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास सूर्य देव को अर्घ दिया, जिसके बाद 2 दिन की ध्यान साधना उन्होंने शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को कन्याकुमारी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री धोती पहने दक्षिण भारत की पारंपरिक पोशाक में नजर आए हैं। उन्होंने ऑफ व्हाइट रंग का शॉल ओढ़ रखा था। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद भगवती अम्मन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो कन्याकुमारी में समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। पीएम 45 घंटे तक यहां पर तप ध्यान पूजा कर रखे हैं। आज कन्याकुमारी से पीएम के मेडिटेशन और पूजा करने की तस्वीरें आईं। पीएम कल शाम 6 बजे से विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर रखे हैं, जो कल दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। आज सुबह प्रधानमंत्री ने उगते हुए सूर्य को नमन किया और पूजा भी की। की पत्नी शारदा मां को पुष्पांजलि अर्पित करते मोदी। कन्याकुमारी स्थित भगवती अम्मन देवी के मंदिर में साधना से पहले विशेष पूजा। कन्याकुमारी में ध्यान मंडपम से समुद्र को देखते दक्षिण के महान संत तिरुवल्लुवर को प्रणाम करते पीएम मोदी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू कर चुके हैं। 1 जून तक प्रधानमंत्री ध्यान मग्न रहने वाले हैं। पीएम मोदी उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी कल शाम कन्याकुमारी पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। भगवती देवी अम्मन मंदिर में पीएम मोदी ने विशेष आरती की, जिसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की, जो 1 जून को पूरी होगी।